हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। तो अभी हम आए हुए हैं कोपा। कोपा गांव है ये, जो तेतराड़ के पास पड़ता है। यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये भी एक आलिशान मंदिर है। हाल ही में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, तो इसके बारे में भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये मंदिर काफ़ी सुंदर है, ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है इस एरिया में, इस क्षेत्र में। तो चलिए फिर हम अंदर बाहर से मंदिर का नज़ारा कराते हैं आपको। वीडियो में बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। ये माँ सती सतवर्ती का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये जय ब्रह्म बाबा का मंदिर है। ये जय माँ काली का मंदिर है ये। और ये बजरंग बली जी का यहाँ पर मूर्ति है, आप देख सकते हैं मूर्ति। और ये ऊपर आप देख सकते हैं पंखे लगे हैं, यहाँ पर पांच पांच पंखे लगे हैं। मतलब काफ़ी अच्छी व्यवस्था रखी गई है यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम होता है तो पंखों की अच्छी व्यवस्था है। और उस दीवार पर आप देख सकते हैं घड़ी है, और इस तरफ भी, इस दीवार पर भी घड़ी है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और इसके फर्श भी देख सकते हैं आप, फर्श कितने चिकने हैं और चमक रहे हैं। साफ़ सफाई की भी काफ़ी ख्याल रखी गई है, और फर्श पर संगमरमर का पत्थर है, ये मीन्स मार्बल है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ये मंदिर का परिक्रमा करने के लिए जो स्पेस दिया गया है मंदिर के चारों तरफ, ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इस मंदिर की, जो इसकी सुंदरता बढ़ाती है। और इसके जो फर्श हैं काफ़ी साफ़ सुथरे हैं और चमकदार है। और इसकी खिड़कियों पे देख सकते हैं आप, कांच लगा हुआ है जो आर पार दिख रहा है, ये भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। मंदिर काफ़ी सुंदर बनाया गया है, और इसकी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। और ये सामने में हवन कुंड है, जहाँ पर मतलब पूजा वूजा होता है तो यहाँ पर हवन किया जाता है, वो हवन कुंड है। और इधर सामने में आप सीढ़ी देख सकते हैं जो ऊपर जाने का रास्ता है। तो ऊपर चलकर हम ऊपर से मंदिर का नज़ारा देखते हैं कि ऊपर से ये मंदिर कैसा दिखता है। ये सीढ़ियों पर भी स्टील का ग्रिल लगाया गया है, जिसमें जंग नहीं लगेगा और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। तो सभी कुछों का बारीकी से ध्यान रखा गया है इस मंदिर में। और अभी हम ये ऊपर आ गए हैं, ऊपर से आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये मंदिर। दो छोटे छोटे गुंबज है, और बीच में बड़ा सा गुंबज है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ऊपर माइक के लिए भी स्टैंड अलग से लगाया गया है। ये खेतों का नज़ारा है मंदिर के ऊपर से। और ये सामने में खलिहान बनाया जा रहा है, धान की कटाई हो रही है अभी, तो धान रखने के लिए यहाँ पर खलिहान में लोग धान रखेंगे। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, दर्शन करने लायक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास के खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।